السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. الحمد لله हमने ग्रामर सेक्शन के दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं जो के जुमले के अकसाम में है। तो हमने पिछली क्लासेस में जुमले गैर मुफीद के बारे में पढ़ा है, तो अब हम जुमले मुफीद के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो जुमले जिससे बात पूरी समझ में आ जाए उन जुमलों को जुमले मुफीद कहा जाता है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, फिर और एक बार फिर दोहराती हूं कि चंद कलीमों का मजमुआ जो माना देता है वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। यानी ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस विद गिव कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। लेकिन अरबी जबान में इन्हीं जुमलों को दो हिस्सों में बांटा गया, तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है? तो एक तो जुमले नाकिस, यानी वो जुमले जो इनकम्प्लीट होते हैं जिससे हमको पूरी बात समझ में नहीं आती, जो कि हमने पहले पढ़ा है मुरक्कबे इजाफी और मुरक्कबे तौसीफी। और दूसरा जो है वो है मुरक्कबे मुफीद या जुमले मुफीद, मुरक्कबे ताम या जुमले मुफीद एक ही बात है। तो उसकी भी दो किस्में हैं, मुरक्कबे ताम या फिर जुमले मुफीद की क्या है? दो किस्में हैं। वो क्या है? जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। अब यहां तक तो बात समझ में आई कि जुमले मुफीद की दो किस्में हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। तो आज हम जुमले इस्मिया के बारे में पढ़ेंगे। अल जुमलतुल इस्मियतु, यानी जुमले इस्मिया। ये सेंटेंस कैसे है, किस तरह इसकी तरकीब है, किस तरह इसको लिखा जाता है, इसकी क्या इराब है, क्या इसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इराब क्या होगा, हम ये देखेंगे। तो देखिए जुमलतुल इस्मिया जो है इसका मुख्तसरन डेफिनेशन मैं आपको पहले दिखा दूं, फिर मैं इसको और तफसीली समझाऊंगी। तो पहले इसका कायदा पढ़ लेंगे कि क्या है कायदा। अलकायदतु الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم وتتركب من مبتدا والخبر. ये जो है जुमले इस्मिया इस्म से शुरू होता है और मुब्तदा व खबर से मुरक्कब है। इसका माना है यानी a nominal sentence start with a noun, it has टू पार्ट्स, मुब्तदा एंड खबर। क्या बताया जा रहा है इस जुमले में कि ये जो जुमला है जुमले इस्मिया वो तरकीब पाता है दो हिस्सों से, यानी जुमले इस्मिया के दो जुज हैं, मुब्तदा और खबर। यानी दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, पहले हिस्से का नाम मुब्तदा रखा गया और दूसरे का नाम खबर रखा गया। अब ये मुब्तदा खबर बनता कैसा है, किस तरह इसकी तरकीब है, तो मैं आपको आगे बताऊं। अल मुब्तदा यानी ये जो मुब्तदा है जुमले इस्मिया का पहला जुज, पहला पार्ट, पहला हिस्सा, वो क्या है? अल मुब्तदा मा यकूनु फी बदातिल फी बिदायतिल जुमलति व हुवा मारिफा। ये क्या है? मुब्तदा जुमले की इब्तदा में होता है वो, और वो मारिफा होता है। मुब्तदा क्या है? जुमले की इब्तदा में होता है और वो मारिफा होता है। इसका माना है मुब्तदा कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज प्रॉपर नाउन। तो ये जो है मुब्तदा, इसकी तारीफ क्या है, वो जुमले के शुरू में आता है, यानी ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी पहला वर्ड होता है, पहला जुज होता है, और वो मारिफा यानी प्रॉपर नाउन होता है, डेफिनेट नाउन होता है। डेफिनेट नाउन प्रॉपर नाउन की हमने तारीफ पढ़ी थी। मारिफा वो है जिसमें खास पर दलालत करे और वो
अगर नकेरा को अलिफ लाम लगाया जाए या फिर वो किसी का नाम हो तो वो क्या होगा? मारिफा होगा। इसमें आम नहीं होगा बल्कि इसमें खास, मारिफा मीन्स इसमें खास, मारिफा होगा। तो इसकी तारीफ, इसका ग्रामेटिकल पॉइंट क्या है? ये अलिफ लाम से होगा या फिर इसके आखिर में पेश होगा। इसके आखिर में अलिफ लाम, शुरू में अलिफ लाम होगा और इसके हर्फ के आखिर में क्या होगा? पेश आएगा, तनवीन नहीं आएगी। हाँ, अगरचे के नाम हो तो फिर तनवीन से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो देन उसके बाद कबर की तारीफ की जा रही है। अलकबरु मा यकबरु अनिल मुब्तदाई व हुवा नकिरतुन। यहां पर देखिए इसकी तारीफ। खबर जो मुब्तदा के मुतालिक खबर देती है और वो नकेरा होती है। खबर जो है, खबर मीन्स न्यूज, इत्तला, ये जो मुब्तदा के बारे में बताए वो क्या होगी? खबर होगी। यानी उसके बारे में जो डिस्कशन किया जाएगा, जिसके ताल्लुक से जिक्र किया जाएगा, जिसके मुतालिक बात की जाएगी, उसको क्या कहेंगे? हम खबर कहेंगे। और वो नकेरा होती है। नकेरा मीन्स तनवीन वाली, जैसे कलमुन, किताबुन, इमरातुन। ये जो लास्ट में जो तुन जो वर्ड है नकेरा, यानी इसमें आम की अलामत है, उसका ट्रांसलेशन कोई एक कुछ किया जाता है। और मारिफा का ट्रांसलेशन द सन, द मून, द बुक, द पेन, इस तरह। तो नकेरा और मारिफा हमने पढ़ा है अच्छी तरह, तो आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब तक आप पिछली ग्रामर को अच्छी तरह याद नहीं रखते, आगे नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैं आपको मुख्तसर थोड़ा सा याद दहानी कराते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो मुब्तदा मारिफा होता है, मारिफा मीन्स अलिफ लाम हो या फिर किसी शख्स का नाम हो, कोई भी चीज का नाम हो। और नकेरा हमेशा नकेरा क्या है? तनवीन वाली होती है, वो इसमें आम होती है, ठीक है। यहाँ पर ये बात यहां तक पहुंच गई। अब उसके बाद खबर की चंद चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको दिखाई जा रही हैं। खबर के बारे में अल खबरु यकूनु मुताबिकन ली मुब्तदाई फी तस्कीरी व तानीसी वल मुफ्रद वल मुसन्ना वल जमा। अब ये जो खबर है मुताबिकत रखती है, क्या करती है? मुब्तदा की मुताबिकत रखती है। किससे? ये खबर जो है मुब्तदा की मुखातबत करती है, यानी उस जैसी रहती है। किन किन चीजों में? तस्कीर और तानीस, यानी मुजक्कर और मुअन्नस। अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर होगी। अगर खबर मुअन्नस हो तो अगर मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस होगी। ये हो गया तस्कीर और तानीस, फिर मुफ्रद मुसन्ना जमा। अब यहाँ एक बात और बता दू, मुफ्रद मीन्स वाहिद, मुसन्ना मीन्स तस्निया और जमा मीन्स जमा। तो यहां पर भी मुताबिकत होती है। किस तरह? एक जैसी होती है, यानी मुब्तदा अगर वाहिद हो तो खबर भी वाहिद होगी। मुब्तदा अगर मुसन्ना यानी डुअल हो, यानी दो हो, तो खबर भी मुसन्ना होगी। अगर मुब्तदा दो से जायद यानी जमा हो तो खबर भी उसकी जमा ली जाएगी। यहाँ पर ये बात क्लियरली आपको बताई गई है। तो इसका लिहाज करते हुए हम जुमलों की तरकीब देंगे, जुमलों को तरकीब में लिखेंगे। अब रही बात, तो खबर जो मुब्तदा, यहां से ठीक है, यहां पर एक बार देख ले। खबर फॉलोस मुब्तदा, इट ऑलवेज नकेरा, कॉमन नाउन। क्या करती है खबर? फॉलो करती है मुब्तदा को और वो हमेशा क्या होती है? कॉमन नाउन होती है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको चंद जुमले बताती हूँ। वो ये जुमले हैं, अल वलदु मुश्ताहिदुन, अल वलदु मुश्ताहिदुन, अल वलदु मुश्ताहिदुन। अब यहां पर अल वलदु जो है वाहिद है, अल वलदु जो है
अल वलदु मुजत मुजतहिदुन लड़का मेहनती है। अब ये है मुक्तदा, मुक्तदा ये इसकी खबर, ठीक है। अल वलदु मुजतहिदुन, अल वलदु क्या है, मारेफा है और ये नकेरा है क्योंकि इस पर अलीफ लाम है और यहां पर पेश है, तो ये क्या होगा, इसमें आम यानी मारेफा और ये तन्वीन है, इसकी वजह से ये नकेरा कहलाएगा। अब देखे अल वलदु क्या है, जिंस के एतबार से मुजक्कर है और उसकी खबर भी क्या होगी, मुजक्कर। अगर अलबिंतु अलबिंतु मुजतहिदतुन मुजतहिदुन कहा जाए तो ये मुब्तदा, ये मुब्तदा और ये इसकी खबर और ये क्या हुई, मुअन्नस और ये भी इसकी खबर मुअन्नस, मुताबिकत है जिंस के एतबार से, इन दोनों की मुताबिकत जरूरी है। तो एक तो मारिफा यानी तस्कीर और तानिस और तस्कीर और तनकीर के एतबार से ये दोनों एक दूसरे के मुताबिक है। अब अदद के एतबार से यानी अदद के एतबार से अगर वाहिद है तो वाहिद होगी, तो अल वलदु वाहिद है, वलदानी कहा जाए तो दो, यहाँ पर मुब्तदा वाहिद है इसीलिए उसकी खबर भी वाहिद, उसकी खबर भी क्या होगी, वाहिद होगी। यहां पर भी अलबिंदु वाहिद है तो उसकी खबर भी क्या होगी, वाहिद होगी। यहां पर आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं वलदानी मुजतहिदानी तो दो लड़के मेहनती है, दो मेहनती लड़के, ठीक है, इस तरह से आपको जुमला कंप्लीट होगा। औलादुन मुजतहिदुना अगर जमा होगी तो इस तरह मुब्तदा खबर हमेशा मुब्तदा के ताबे होती है, मुताबिकत के साथ चलती है, वो उसी तरह होती है जिस तरह मुब्तदा है। मारेफा हो सॉरी मुजक्कर है तो मुजक्कर, वाहिद है तो वाहिद। इस तरह आपका जुमला इस्मिया कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको इसकी तफसील और इसके चंद जुमलों के साथ और सारे एग्जांपल्स दूंगी। तो जुमले इस्मिया के जो अहम सवालात है आपको जो पूछे जाने वाले एग्जाम में वो ये है, उक्तुब जुज़ैन मिनल जुमलतिल जुमलतिल इस्मिया बिल अमसाल। तो यहाँ पर सवाल ये है 13 बिट के लिए 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, आपको चंद जुमले लिखना है और उसको उसकी तरकीब बताना है। आपको क्या करना है, चंद जुमले लिखना है उसकी तरकीब बताना है, जैसे कि अल मस्जिदु करीबुन, मस्जिद क्या है, मुब्तदा है और उस करीबुन उसका खबर है। यहाँ पर मस्जिद क्या है, मुब्तदा और उसकी खबर है। उसी तरह इन जुमलों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दानिशुन तालिबुन, दानिश मुब्तदा और जो है तालिबुन उसकी खबर, मुब्तदा ये उसकी खबर है। और उसी तरह अस्सिदकु बिरुन, सिदक मुब्तदा है और इसकी खबर है। अल मस्जिदु करीबुन, उसी तरह मस्जिद मुब्तदा और ये करीबुन उसकी खबर। नबीलुन मुब्तदा और जकीउन उसकी खबर, नबील जहीन है तो नबील क्या है, मुब्तदा है और जहानत उसकी खबर है, तो नबीलुन जकीउन उसकी मुब्तदा और नबील मुब्तदा है उसकी खबर है। अब यहाँ पर मैं और बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको, अइन अल जुमलतुल इस्मिया यानी जुमले इस्मिया को पहचाने, तो आपको इस तरह के सवाल दिए जाएंगे कंटिन्यूसली
छह या आठ सवाल पूछे जाएंगे, ये चार मार्क्स के लिए, 12 के लिए पूछे जा रहे हैं। बी सेक्शन में ये सवाल पूछा जाएगा, आपको कई जुमले दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं, और भी एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर बताऊंगी। नबीलुन जकीयुन, ये कौन सा जुमला है? तो आपको देखना ये है कि जुमले इस्मिया का पहला जुज क्या होता है, इस्म से शुरू होता है और वो मुब्तदा होता है। मुब्तदा की तारीफ क्या है? जिस इस्म पर अलिफ लाम हो। मारेफा की तारीफ क्या होती है? मुब्तदा हमेशा मारेफा होता है। तो मारेफा की क्या तारीफ है? जो इस्म पर जो अलिफ लाम से शुरू हो और उसके आखिर में पेश हो या फिर किसी का नाम हो। तो ये पहले जिसको आप देखेंगे तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नबीलुन यानी किसी लड़के का नाम है, ये इस्म से शुरू हो रहा है, वो जुमले इस्मिया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? जुमले इस्मिया इस तरह लिखेंगे, जुमले इस्मिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस्मिया, जुमले इस्मिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दाखल अल उस्तादु यानी उस्ताद दाखिल हुए। तो दाखला क्या है? फेल है। किसी भी काम को हम क्या कहेंगे? फेल। एक्ट को क्या कहेंगे? फेल। दाखला दाखिल होना, ये कोई इस्म नहीं है। और एक ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर मैं बात बताऊं आपको, तो इस पर ना तो अलीफ लाम है और ना ही इस पर आखिर में तनवीन है, यानी यार किसी का इस्म है, ना ही वो किसी का इस्म है ना ही इस पर अलीफ लाम है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? फेल होगा। तो ये क्या होगा? जुमले फेलिया। क्या होगा? ये जुमले फेलिया, जुमले फेलिया होगा। तो ये आपका जुमले इस्मिया नहीं है, ये जुमले फेलिया है। अगर उसी तरह आपको यहाँ पर बताया जाए दानिशु वालिबुन, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? इस तरह अंडरलाइन करके जुमले इस्मिया लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर किस तरह पहचाने? यहाँ पर किसी लड़के का नाम है इसीलिए वो जुमले इस्मिया। और अगर अलीफ लाम से शुरू दिया किया जाए तो ये भी इस्म है। अल असिदको, असिदको जो है इस्म है, सच्चाई एक इस्म है, और वो क्या है? बिरुन, वो उसकी खबर है। अल मस्जिदु, अलीफ लाम होने की वजह से हम इस्म को अच्छी तरह पहचान सकते हैं, वो मारेफा है और वो मुब्तदा है। और करीबुन उसकी खबर है। नबीलुन जकीयुन, नबील मुब्तदा मारेफा होने की वजह से और उसकी खबर जकीयुन है। तो यहाँ पर जुमले इस्मिया इस तरह आसानी से पहचाना जा सकता है। मैंने आपको चंद पॉइंट्स बताए हैं कि जुमले इस्मिया को किस तरह पहचाने। और एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि मुजक्कर और मोअन्नस में अलायदा अलायदा बताया जा रहा है, मारेफा नकेरा जो है एक दूसरे के खबर हमेशा क्या है? मुब्तदा की ताबे होती है। तो मैं वेरी शॉर्टली आप लोगों को वाहिद तस्निया जमा का एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ती हूँ। मुजक्कर के लिए अलवलदु मुश्तहिदुन, और वाहिद है ये। क्या है? ये वाहिद का एग्जाम्पल है। ये मुसन्ना यानी तस्निया का एग्जाम्पल है, ये जमा यानी जमा का एग्जाम्पल है। वाहिद अलवलदु मुश्तहिदुन, अगर मुअन्नस हो तो अलबिंतु मुश्तहिदुन। उसी तरह वलदानी मुश्तहिदानी, यानी दो लड़के मेहनती है। औलादु मुश्तहिदुना, उसी तरह अलबिंतानी मुश्तहिदतानी, अलबनातु मुश्तहिदात। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है आपका सेक्शन। के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, हामिदुन व नबीलुन व अम्मारुन अस्दिकाउ, ये उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, आईशतुन व फातिमतुन व नबीलतुन ताली बात।
यहाँ पर जो है मुब्तदा क्या है, जमा है, इसीलिए यहाँ पे अस्दिकाउ जमा आई है। यहाँ पर भी मुब्तदा जमा है, मुअन्नस है, इसीलिए यहाँ पर खबर भी मुब्तदा खबर जो है मुब्तदा की खबर जो है मुअन्नस आई है। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन के लिए डैश अल बैंक सॉलिहुन, तो मुदीरुल बैंक ही, मुदीरुल बैंक रजुलु सालिह। उसी तरह फोर्थ में مفاتيح على الطاولة، इसके बाद और एक क्वेश्चन है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जो कि आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा रहा है। कुल बी तसी अल जुमला, जुमले को दुरुस्त करें। अल वलदु किबार, तो यहां पर अल वलदु कबीरुन आएगा, किबार नहीं आएगा, कबीरुन। ठीक है, उसी तरह अल बनातु अलबनातु मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन नहीं आएगा बल्कि मुज्तहिदात। अलबनातु इस तरह लिखेंगे, मुज्तहिदात इस तरह, ये वाहिद है ना, तो वाहिद नहीं होगा बल्कि यहां पर इसकी जमा आएगी। अलबनातु मुज्तहिदुन नहीं होगा बल्कि अलबनातु मुज्तहिदात। जब लड़कियां का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो यहां पर भी मेहनती जैसे कि जमा इस्तेमाल होगी। उसके बाद थर्ड जुमला आपको दिया गया है, हामिदुन तालिबुन जकी यतुन। तो यहाँ पर ये मुअन्नस लाकर गलती की गई है, तो हमको इस जुमले को इस तरह लिखना चाहिए, हामिद तालिबुन जकीयुन। ओके, जकीयुन ये मुजक्कर है। इस तरह आप जुमलों की तरसीह करेंगे, यानी जुमलों को दुरुस्त करेंगे। तरह क्या करेंगे आप लोग, जुमलों को दुरुस्त करेंगे। ये है आज का हमारा चैप्टर जुमले इस्मिया, जिसमें से मुख्तसरन आपको सवालात इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, और इसको अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह मेहनत से पढ़ें, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के पेपर में, इसके मार्क्स 4 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, और ये जो जुमले दिए जा रहे हैं आपको, इसमें क्या डिफरेंस दिया जा रहा है मैं यहाँ पे बताती हूँ। अलबनातु मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन क्यों कहा गया है बल्कि जबकि यहाँ पे लड़की है और उसकी जमा है, सिर्फ एक लड़की होती तो मुज्तहिदतुम कहते, लेकिन यहाँ पर लड़कियां कहा गया है तो अलबनातु मुज्तहिदात इस तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो गलती की गई है ये रॉन्ग है, और इसका ये सही तरीका है, अलबनातु मुज्तहिदात। क्या पढ़ेंगे हम, अलबनातु मुज्तहिदात। उसी तरह अलवलदु किबार, कबीरुन की जमा किबार है, लड़का
लड़का एक है और उसको जमा के तहत बताया जा रहा है, ये गलत है क्योंकि ये वाहिद है, ये वाहिद है तो इसकी खबर भी वाहिद होगी, कबीरुन होगी, तो ये इस तरह जो है कबीरुन लिखा जाए, ये करेक्ट है, ये जो है कबीरुन, ठीक है। उसके बाद हामिद, हामिदुम तालिबुन ज़कियतुन, हामिद एक मुज़क्कर लड़का है, वो तालिब इल्म है और वो क्या है, ज़हीन है, तो ज़हीन पे जो मुअन्नस का इस्तेमाल किया है वो गलत है। अगर मुब्तदा क्या है, मुब्तदा क्या है, मुज़क्कर है, तो उसकी खबर भी मुज़क्कर होनी चाहिए, ये रॉन्ग है, और ज़कियुन जो है उसकी खबर मुज़क्कर है, ये मुअन्नस नहीं होगी, ये मुअन्नस जो है वो नहीं है बल्कि मुज़क्कर होगी, क्योंकि उसकी मुब्तदा भी मुज़क्कर है, ये जो मुब्तदा है मुज़क्कर है ना, तो उसकी खबर भी मुज़क्कर होगी। इस तरह से आप जुमलों को, जुमलों की तसीह कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए एग्जाम्पल के लिए, उसमें भी आप गौर से पढ़ने पे आपको आसानी से ये जुमलों को लिखना आ जाएगा। तो आसानी से यहाँ पर हामिद व नबील व अमार, यहाँ पे तीन नाम दिए गए, तो सदीकुन नहीं बोलेंगे, अस्दीकाऊ बोलेंगे, जमा लाएंगे ना इसकी, क्योंकि ये सारा जो है मुब्तदा है, और मुब्तदा की खबर क्या होगी, मुब्तदा जमा है, और मुब्तदा की खबर जमा ही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम इस तरह ये सारे जुमले क्या है, ये सारे नाम मुब्तदा है, हाँ। और अगर आपको इसका ब्लैंक फिल करना है तो क्या करेंगे, आप इसका ब्लैंक फिल करना है तो क्या करेंगे, इसको जमा में लाएंगे, ये जमा के जमा, ये भी जमा होगा, ठीक है, इस तरह आप फिल करेंगे, बिल्कुल आराम से, मुश्किल नहीं, बिल्कुल आराम से आपको करना है, गौर से पढ़ेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो जुमले इस्मिया को एक बार फिर मैं मुख्तसरन समझाना चाहती हूँ, जैसे कि हमेशा समझाती हूँ, जुमले इस्मिया, जुमले मुफीद की दो किस्में हैं, जुमले इस्मिया, जुमले फेलिया। जुमले इस्मिया इस्म से शुरू होता है, उसका पहला जुज मुब्तदा और दूसरा खबर है, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और खबर हमेशा नकेरा होती है, और तस्कीर और तानीस और अदद के एतबार से खबर मुब्तदा की ताबे होती है, यानी मुताबिकत रखती है, एक जैसी होती है। ये चीजों को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, तफसीली नहीं लेके गई ताकि आप परेशान ना हो, तो बिल्कुल आराम से चंद जुमलों की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, ग्रामर समझ में भी आएगा, और इम्तिहान लिखते वक्त बहुत सारी सहूलत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमले मुफीद की पहली किस्म यानी जुमले इस्मिया आज मुकम्मल की है, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जुमले फेलिया पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।